गिरिराज सर, LIC मतलब मरने के बाद पैसा। क्या फायदा ऐसे पैसे का? बच्चों को थोड़े ही अमीर बना के जाना है। मान लेते हैं ये साल आपका इनकम 10 लाख रुपया है साल का, तो क्या जिंदगी भर तक आप 10 लाख रुपया ही कमाने वाले? अगर भगवान आपको अनुमति देते हैं 25 साल काम करने का, तो शायद अगले 10 सालों में वो 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ भी हो सकता है या 10 करोड़ भी हो सकते हैं। इसका मतलब आप अगर जीवित हैं तो बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन भगवान न करे, भगवान ने आपको अनुमति नहीं दी 25 साल काम करने की, तो शायद उनके हाथ में 10 करोड़ छोड़ो लेकिन 1 करोड़ रुपए भी नहीं आएगा। मुझको बताइए, अगले साल का उनका स्कूल का फीस कौन भरेगा? घर का राशन कौन भरेगा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन भरेगा? है कोई व्यक्ति जो उनके खर्चे का जिम्मेदारी उठाए? इसलिए LIC होना चाहिए। अब मान लेते हैं एक पॉलिसी होल्डर के पास 25 साल का जीवन लक्ष्य पॉलिसी 50 लाख रुपए के रिस्क कवर, जिसके लिए वो महीने का सिर्फ 10,000 रुपए ही सेव करते हैं। पहले ही वर्ष उनका एक्सीडेंट की वजह से देहांत हो जाता है तो उनके नॉमिनी को तुरंत पूरा का पूरा 50 लाख रुपए मिलता है। अगले साल से बच्चों के एजुकेशन के लिए 2.5 लाख रुपया मिलते रहेगा। कब तक मिलेगा? पूरे 25 सालों तक मिलते रहेगा। और 25वें साल में वाइफ के रिटायरमेंट के लिए अलग से 50 से लेके 60 लाख रुपए मिलेगा। और ये सारी की सारी रकम जो है वो पूरी मिलेगी, टैक्स फ्री मिलेगी। मुझे सिर्फ एक वजह बता दो कि आपके बच्चों के पास ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी क्यों नहीं होना चाहिए। LIC का मतलब मरने के बाद पैसा नहीं, आपके ना रहते हुए जो जिंदगियां जीने वाली हैं उनके भविष्य के निर्वाह के लिए LIC। कम से कम उनका आत्मसम्मान सुरक्षित रहे, इसलिए इंश्योरेंस करते हैं। LIC करो, जिम्मेदार बनो।